नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, ये निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस का पार्ट टू है। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, आप वहां उसे देख लें, और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में सारे स्टॉक्स को नहीं ले पाने के कारण, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और आप लोग पूरा देख नहीं पाते हैं, तो मैं उसे दो पार्ट में बना रहा हूँ। पहला पार्ट मैंने डाल दिया हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस पार्ट वन करके, और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टॉक है। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक जानकारी फिर से दे दूँ, रिपीट कर दूँ कि मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 21 नवंबर 2018 से शुरू होने जा रहा है, और उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 15 नवंबर 2018 है। अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से। आप वहां पे सारी डिटेल ले सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तो हमारा निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस में के सेकेंड पार्ट में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट का। चलिए हम लोग देखते हैं एशियन पेंट का चार्ट। दोस्तों, एशियन पेंट का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। देखिए, एशियन पेंट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है, और ये इसने कल जो है कैंडल बनाया। इस कैंडल को अगर हम लोग नाम रखें, ये शूटिंग स्टार कैंडल है दोस्तों। ठीक है, ये एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार ऊपर में कैंडल बना है। ये एक अप ट्रेंड है, सॉरी मैं एरो वाला लगा देता हूँ। ये एक अच्छा अप ट्रेंड दिया है इसने, और उसके ऊपर जाके इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। अब शूटिंग स्टार का कैंडल क्या है कि अगर इसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो की 1150 का लेवल आता है। प्रीवियस कैंडल का लो होता है इसका 1200 रुपए का लो है। अगर 1215 के नीचे ट्रेड करता है, तब ये आपको 1150 के लेवल नीचे का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा, अगर शूटिंग स्टार अपने हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो कल मंडे के दिन ये स्टॉक, तो ये शूटिंग स्टार फेल हो जाएगा। फिर इस शूटिंग स्टार का कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर दोस्तों एक बार बनने दीजिए, 1290 को पार करने दीजिए, फिर इसमें कोई पोजिशन बनेगी। और अभी ये निगेटिव साइड हम लोगों को दिखा रहा है। सिर्फ एक पॉजिटिव ये है कि ये 200 DMA के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, यही पॉजिटिव है। वरना अगर सिर्फ कैंडल को देख के एनालाइज करें, ये तो शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद बना है, तो ये हो सकता है निगेटिव डाउन साइड में जा सकता है। अगर ये अपने लो के नीचे ट्रेड करने लगा तो, और 200 DMA के नीचे अगर ये क्रॉस कर गया, तो फिर नीचे के लेवल दिखा सकता है आपको। ये था एशियन पेंट। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ओरो फार्मा का। देखिये, ओरो फार्मा में कोई खराबी नहीं है चार्ट में, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, और बिल्कुल ब्रेकआउट के लगभग गया था ये तैयार होके, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया। वापस जहां से इसने रेजिस्टेंस खाया, उसी रेजिस्टेंस से ये रिटर्न कर गया, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस लाइन से ये रिटर्न कर गया है। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, और उसी के पास इसने फिर रेजिस्टेंस लिया। तो अगर इस रेजिस्टेंस को हम लोग मान ले, तो इसने लेवल दिखाया था 740 रुपए का, तो वापस ये स्टॉक 740 की तरफ आ रहा है। स्टॉक को हल्का सा एक सपोर्ट है, हल्का सा एक सपोर्ट है 760 रुपए के पास। अगर इसे बाउंस बैक लेना होगा तो 760 के पास से ये बाउंस बैक लेगा, वरना अगर ये 760 को ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ फिर ये 725 के लेवल दिखा सकता है। ऊपर के लिए इसको 820 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसे ऊपर जाना है, सबसे पहले इसे 820 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहाँ अगर आप पीछे देखें, तो बिल्कुल यहाँ 810 के पास इसके पास हेवी रेजिस्टेंस है। तो पहले 820 और 810 को ब्रेक करे, तभी हम लोग इसको लॉन्ग पोजिशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं ओरो फार्मा को। बाटा इंडिया का अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा। चलिए, बाटा इंडिया का चार्ट ओपन हो रहा है, हो जाओ ओपन। बाटा इंडिया का चार्ट ओपन हो गया है। इसका चार्ट बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे मेरा जो भी व्यू होता है, अपना पर्सनल व्यू है। इस स्टॉक में जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी लेवल बताता हूँ, सारे अपने, ये मेरा अपना व्यू है। मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आप लोगों को नहीं होती है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर ट्रेड करें। मेरी सिर्फ अपनी ये पर्सनल व्यू है, मैं अपना व्यू बताता हूँ, आपको सलाह नहीं देता। ठीक है, तो चलिए, ये बाटा का स्टॉक है अगला। देखिए, बाटा भी एकदम ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर बाटा ब्रेक कर देता है 1030 को, अगर बाटा ऊपर की ओर 1030 को ब्रेक कर देता है, तो इसका टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 1060 रुपए का। 1030 को ब्रेक करे तो 1060 का हमारा टारगेट है, जो इसका अगला रेजिस्टेंस आ रहा है। और नीचे की ओर इसके एक सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है 960 रुपए का। ठीक है, नीचे के 960 का सपोर्ट है। अगर ये कल के लो के नीचे ट्रेड करने लगता है मंडे को, अगर कल के लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी 980 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो ये आपको 960 के लेवल बहुत जल्द दिखा देगा बाटा इंडिया।
BEML हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों। BEML को मैंने दिया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखिए BEML बिल्कुल आ गया है, इसने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, इसने कल बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया BEML ने। अब वापस से फिर इसके पास इस सब ऐसे सब स्टॉक्स में क्या है जो बहुत डाउन ट्रेंड में आते हैं, जो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आते हैं, इसके साथ दिक्कत क्या होता है दोस्तों, इसे हर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है, ऊपर जाने के लिए हर लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ता है तभी ये ऊपर जा सकता है। अब देखिए इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अब इसके बाद वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि वही 690 रुपए का है, 690 रुपए के पास फिर से रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसे इस लाइन को हटा दें तो देखिए अब ये रेजिस्टेंस लाइन बन गया इसके लिए, 690 रुपए का जो है रेजिस्टेंस लाइन इसके पास निकल के आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत ये कि इसे जो स्टॉक बहुत डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, बहुत दिन से चल रहे हैं, ऊपर जाने के लिए उसे बहुत रेजिस्टेंस लेवल का उसको सामना करना पड़ता है और हर एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना पड़ता है। अब इसे 690 के ऊपर ये अगर निकालेगा तो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों फिर हमारा आएगा 715 रुपए का, 715 का आएगा पहला और दूसरा आएगा हमारे पास 740 रुपए का। तो अगर 690 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 715 रहेगा, दूसरा टारगेट 745 रहेगा शॉर्ट टर्म में, ये याद रखिएगा। लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए 700 के ऊपर, ठीक है। 600 कितना का है ये, हाँ 690 के ऊपर निकालता है तो 690 के ऊपर निकाल दे, 690 695 तभी हमारा ऊपर 715 का लेवल दिखाएगा BEML। भारत फाइनेंस हमारा अगला स्टॉक दोस्तों। भारत फाइनेंस ने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया था कल, देखिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। अब ये स्टॉक बिल्कुल ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 968 रुपए का, है ना। 968 को अगर ये ब्रेक कर देगा तो ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा 990 रुपए का। अगर 968 ब्रेक कर देता है भारत फाइनेंस तो बिल्कुल 990 का आपको रजिस्टर टारगेट दिखा सकता है। अगर 968 ब्रेक करता है तो नीचे की ओर अभी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, ऊपर की ओर अगर 968 ब्रेक कर देता है तो फिर 990 का टारगेट दिखा सकता है भारत फाइनेंस। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज का चार्ट ओपन हो रहा है, भारत फाइनेंस का चार्ट है दोस्तों। ये देखिए भारत फाइनेंस भी रेजिस्टेंस लाइन पर खड़ा है, कल इसने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, ऊपर की ओर हाई बनाया 637 का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 607 पे आके इसने क्लोजिंग किया है। लेकिन ये फिर से एक ब्रेकआउट दे सकता है जैसा कि लग रहा है, इसके चार्ट को देखते हुए ब्रेकआउट देने की ये तैयारी कर रहा है। अपने रेजिस्टेंस लाइन को एक बार टच कर चुका है तो वापस से ये अगर ब्रेक कर देता है 612 रुपए को, 615 रुपए को, तो ये आपको लेवल दिखा देगा 625 रुपए का भारत फाइनेंस इंट्राडे में, याद रखिएगा। लेकिन क्लोज होना चाहिए ऊपर, ट्रेड होना चाहिए 615 के ऊपर तब भारत फाइनेंस। अगला स्टॉक है BPCL का। भारत पेट्रोलियम का चार्ट खुल गया सामने में, भारत पेट्रोलियम ने अपना गैप फिल करने की तैयारी कर रहा है, जो गैप फिल किया था डाउन हुआ था वो फिल कर चुका है, और अपना सपोर्ट लाइन जो ऊपर की ओर अब इसका रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रहा है 330 रुपए का, उसको टच करने की तैयारी कर रहा है भारत पेट्रोलियम। तो याद रखिएगा अगर ये ब्रेक कर देता है 310 रुपए को, अगर ये 310 को ब्रेक कर देता है तो ये आपको 320 रुपए का टारगेट दिखा सकता है भारत पेट्रोलियम। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों गोदरेज इंडस्ट्रीज का। गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट खुल गया आपके सामने, नीचे सपोर्ट आ रहा है गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट, 440 का सपोर्ट है इसके पास, ये गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट है दोस्तों। तो अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज ब्रेक कर देता है, गोदरेज इंडस्ट्रीज जिस दिन भी 500 को ब्रेक करता है, अगर ये 500 को ब्रेक करेगा तभी हम लोग इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे। अगर ये 500 को ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट आ जाएगा, पोजिशनल टारगेट आएगा 520 का, और दूसरा टारगेट आएगा 540 का, तीसरा टारगेट आएगा 560 का, याद रखिएगा। जिस दिन भी 500 के ऊपर ब्रेक करता है तो ये मैं इसमें बना के डाल दूंगा पोजिशनल कॉल के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट है। अगला स्टॉक है दोस्तों हिंडाल्को का। दोस्तों ये हिंडाल्को का चार्ट है, देखिए हिंडाल्को ने बहुत ही अच्छा 200 DMA को क्लेम कर दिया, क्लेम करके उसके नीचे उसके ऊपर क्लोज कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हिंडाल्को 200 DMA के ऊपर क्लोज कर रहा है, और अपने एक रेंज जो इसने बना के रखा था खुद का, एक मिनट दोस्तों। तो हिंडाल्को का ये स्टॉक था दोस्तों, अगर ये 245 के ऊपर ट्रेड करता है, अगर ये 245 के ऊपर ट्रेड करने लगता है हिंडाल्को अपने, बिल्कुल आपको मैं जैसा कि बता रहा था अपने रेंज बाउंड में ट्रेड करता रहा कुछ दिन, तो कंटिन्यू रेंज बाउंड होकर ट्रेड करता रहा, उसके बाद जब उसको ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट से 200 DMA को क्रॉस करके क्लोज किया है। अब हिंडाल्को के लिए अगला टारगेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 250 रुपए का।
अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा इंफ्राटेल का, भारतीय इंफ्राटेल का। देखिए ये स्टॉक में पता नहीं, मैं इसे बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक पैटर्न में, खास पैटर्न में चल रहा है। देखिए बार बार एक रेंज में ट्रेड करता है, फिर ब्रेक करके नीचे आता है, फिर एक रेंज में ट्रेड करता है, फिर ब्रेक करके नीचे आ जाता है, और वापस से फिर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो वापस से अब ये जो है या तो नीचे या तो ऊपर, यही दो तरीका है जहां ये जा सकता है। तो ऊपर एक बार 272 ब्रेक कर दे, तब हम लोग को उस पोजिशन बनाएंगे। अगर 272 ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 280 का, और अगर 258 को ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 250 रुपए का भारतीय इंफ्राटेल में। जिंदल स्टील हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों। देखिए जिंदल स्टील भी दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, दिखा रहा है, इसमें भी पोजिशनल बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है अगर ये पोजिशन तभी बनेगा जब ये 190 के ऊपर क्लोज करेगा। 190 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप इसको लेके जाइए, टारगेट निकल के आएगा 200 रुपए का जिंदल स्टील में। जुबलियन फूड हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों, जुबलियन फूड का। देखिए जुबलियन फूड जब तक ये 200 DMA को ब्रेक ना करे, जब तक जुबलियन फूड 200 DMA को ब्रेक ना करे 1200 को, 1208 को, तब तक हम इसमें कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है, नीचे इसके पास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे एक सपोर्ट है 1040 रुपए का। अगर ये 1040 को ब्रेक कर देता है जुबलियन फूड, तो फिर हमारे लिए इसमें शॉर्ट पोजिशन बनेगा, जो टारगेट निकल के आएगा 1020 का, और दूसरा टारगेट आएगा 980 रुपए का। M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देखिए महिंद्रा एंड फाइनेंस बिल्कुल 200 DMA को चेक करने जा रहा है, टेस्ट करने जा रहा है। तो इसके पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो 200 DMA का रेजिस्टेंस है, और वही यहाँ पे इसका सपोर्ट, अगर ये उसको ब्रेक कर देता है 200 DMA को, तो उसका सपोर्ट लाइन बन जाएगा जो कि आ रहा है 450 का। तो जिनके पास ये पोजिशन है बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 410 का, और टारगेट बने रहिए 450 के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। पीडी लाइट हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों, पीडी लाइट का। पीडी लाइट ब्रेक न, जब तक 1010 को ब्रेक ना करे, हमारे लिए कोई भी पोजिशन इसमें पीडी लाइट में नहीं बनेगा। पीडी लाइट में याद रखिएगा, 1010 के ऊपर अगर पोजिशन अगर ब्रेक करता है, तब हम लोग जो है इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे, वरना इसे भी अवॉइड करेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन में हमारे। वेदांता ये भी बहुत ही अच्छा आ गया है, ब्रेकआउट देने की एक तैयारी कर रहा है वेदांता स्टॉक है दोस्तों। वेदांता अभी हमारे नो ट्रेडिंग जोन में, वेदांता को जब तक मैं इस पर पॉजिटिव नहीं बनूंगा, जब तक ये 240 को ब्रेक ना करे, उसके ऊपर क्लोज ना करे, मेरे लिए इसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है वेदांता में। अगला स्टॉक है दोस्तों वोल्टास का। देखिए वोल्टास का अगला स्टॉक है, तो वोल्टास हमारे लिए ब्रेक करना चाहिए, वोल्टास में जब तक ये ब्रेक ना कर दे ऊपर की तरफ 900 560 को, 560 को जब तक ब्रेक ना करे, हमारे लिए कोई इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नहीं होगा। अगर ये 560 को ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 590 रुपए का पहला, दूसरा टारगेट आएगा 600 रुपए का, याद रखिएगा अगर 560 को ब्रेक करता है तो। दोस्तों मैंने निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस पार्ट वन डाल दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देखिए, और ये उसका पार्ट टू है, क्योंकि एक वीडियो में सारे स्टॉक्स नहीं आ पाते, वीडियो बड़ा बन जाता है, इसके वजह से मैंने दो पार्ट कर दिया अलग अलग। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रासिम का, मेरा ये अंतिम स्टॉक है ग्रासिम का। तो ग्रासिम इसमें खराबी नहीं है, कोई भी खराबी नहीं, लेकिन हमें इसे ब्रेक ब्रेक चाहिए, कम से कम 920 को ब्रेक करे तब, अगर 920 को ब्रेक करके क्लोज करे तब हमारे लिए कोई पोजिशन बनेगा, जो कि हमारा टारगेट 975 की तरफ लेके आएगा। अभी ये स्टॉक में हमें इससे दूर रहूंगा, नो ट्रेडिंग जोन में पोजिशनल, कोई भी कॉल इसमें पोजिशनल नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस का पार्ट टू, पार्ट वन मैंने डाल दिया, उसे देख लीजिए, और ये पार्ट टू है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।